नया जो सबक है वो ये है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर अब हिंदुस्तान में चुनाव नहीं जीते जा सकते और ये बात बीजेपी को अब समझ लेनी चाहिए। साथियों, आपने राहुल गांधी का एक भाषण सुना था जिसमें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 4 जून को ये मीडिया भी आजाद होने वाली है। उसकी एक झलक दिखती हुई साफ आपको नजर आएगी। आप जब आज तक का प्रोग्राम ब्लैक एंड व्हाइट देख रहे हैं, उसमें सुधीर चौधरी किस तरह की बात कर रहे हैं, किस तरह से वो अब दूसरे तरीके से एक अलग अंदाज में आकर के लोगों के सामने खड़े हुए और कह रहे हैं कि ये जो जनादेश आया है वो साफ दर्शाता है कि अब हिंदू और हिंदू की पॉलिटिक्स नहीं चलेगी, सिर्फ राम मंदिर और मंदिर की बात नहीं चलेगी, सिर्फ राष्ट्रवाद की मुद्दे पर वोट नहीं मिलेगा। साथियों, आप पहले सुधीर चौधरी की वीडियो देखिए जो पलटी मार रहे हैं, फिर इस पर हम बात करते हैं। नया जो सबक है वो ये है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर अब हिंदुस्तान में चुनाव नहीं जीते जा सकते और ये बात बीजेपी को अब समझ लेनी चाहिए। यहां हम हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों की भी बहुत आज तारीफ करना चाहेंगे जो लोकतंत्र के सच्चे सिपाही बनकर आए, और लोकतंत्र तब पूर्ण होता है जब उस लोकतंत्र में लोग वोट डालते हैं, अपना कर्तव्य निभाते हैं चाहे किसी को भी डालें, और मुस्लिम मतदाताओं ने इस लोकतंर में अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य निभाकर शानदार काम किया है, और उन्होंने जो भी उनका फैसला रहा होगा उन्होंने ये बता दिया कि वो क्या चाहते हैं, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। अगर राम मंदिर और हिंदुत्व का मुद्दा इस बार नहीं चला तो इसके लिए मुस्लिम मतदाताओं को दोष देना पूरी तरह से गलत होगा। सच्चाई तो यह है कि अब सिर्फ हिंदुत्व के मुद्दे से ही चुनाव नहीं जीते जा सकते। राम मंदिर के मुद्दे पर, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर और हिंदुत्व के मुद्दे पर बड़ी संख्या में हिंदुओं ने ही वोट नहीं डाला। साथियों, आपने वीडियो देखा कि सुधीर चौधरी किस तरह से बता रहे हैं और मुसलमानों को नाम लेकर भी कह रहे हैं कि उनको धन्यवाद अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने लोकतंत्र में सही सिपाही बनने का कार्य किया है और किस तरह से जाकर के वोट किया है और साफ दर्शा दिया है कि अब ये राजनीति तो हिंदुस्तान की राजनीति में चलने वाली नहीं है, सिर्फ एक धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होगी। और उन्होंने अंत में ये भी कह दिया कि जनता को, सरकार को, जो लोग चुन करके आए उनको भी समझ लेना चाहिए और पूरे मीडिया जगत को भी समझ लेना चाहिए कि अब सिर्फ राष्ट्रवाद और हिंदू के नाम पर वोट तो नहीं मिलेगा। जब वो इस चीज को समझ रहे हैं और देख रहे हैं तो अब जो लोगों को अहंकार था, क्या वो अहंकार टूट चुका है या फिर अब नई परिस्थितियां बन रही हैं जिस आधार पे सुधीर चौधरी जैसे पत्रकार, जो गोदी पत्रकार कहे जाते हैं, वो भी पलटी मार रहे हैं और किस तरह से इन चीजों को आपके सामने रख रहे हैं। साथियों, ये जो मीडिया होता है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। यदि ये समझ जाए तो लोकतंत्र को कोई हिला नहीं सकता, कोई डिगा नहीं सकता। लेकिन ये प्रेशर, ये जो पत्रकार हैं, ये लोग भी प्रेशर अपने ऊपर ले रहे थे क्योंकि इनके जो मालिक हैं वो कौन है ये आप बाखूबी जानते हैं, इन पे किनका हाथ है ये भी आप जानते हैं। तो अब जब वो सत्ता तो थोड़ी कमजोर हुई है, जब बहुमत की सत्ता अब नहीं आ रही है, तो क्या ये जो गोदी पत्रकार थे ये लोग भी अपनी आवाज को उठा सकेंगे? और राहुल गांधी ने जो बात कही थी, अक्सर राहुल गांधी की बातों को लोग मजाक उड़ा लेते थे लेकिन राहुल गांधी की हर एक बात समय समय पर आकर के सिद्ध हुई है। उन्होंने चाहे कोरोना की बात कही हो, चाहे चाइना की बात कही हो, चाहे इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात कही हो, चाहे सीबीआई की बात कही हो, चाहे ईडी की बात कही हो, अब जब उन्होंने कहा था 4 जून को ये गोदी मीडिया भी आजाद होने वाला है तो उसकी परछाई दिखना शुरू हो गई है। साथियों, इस बात को आप समझिए। साथियों, आप देख रहे हैं दो बोल न्यूज, मैं आमिर खान आजाद। ऐसी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ साझा करें क्योंकि आपका एक शेयर दो बोल को ताकत देता है जो अपनी आवाज बुलंदी के साथ आपके सवालों को पहुंचा सकता है। अगर आप भी मोबाइल में मौजूद वीडियो को यूट्यूब पर 10 से 12 घंटे तक लाइव करना चाहते हैं तो आ गया है भारत में बना पहला गो लाइव इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन। इसके द्वारा आप किसी भी वीडियो को यूट्यूब और फेसबुक पर आसानी के साथ लाइव कर सकते हैं और लिंक के जरिए यूट्यूब की वीडियो फेसबुक पर और फेसबुक की वीडियो को यूट्यूब पर लाइव करके कंटेंट वायरल कर सकते हैं। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और प्ले स्टोर से ये ऐप डाउनलोड करें।